भारी दलबल के साथ पुलिस उतरी सड़कों पर, किया फ्लैग मार्च। सड़क पर तफरी करने वाले, दुकानों के बाहर सामान फैलाने वालों को दी समझाइश। 10 अप्रैल को एसटीएससी एक्ट के विरोध में भारत बंद रहेगा। इस दौरान रीवा में भी बंद का आह्वान किया गया है। 10 अप्रैल को बंद के दौरान शहर में कानून व्यवस्था बरकरार रखने, अराजक तत्वों में पुलिस का खौफ कायम रखने, सामान्य आदमी के ऊपर पुलिस का भरोसा कायम रखने जैसी बातों को लेकर रीवा पुलिस ने पुलिस कप्तान ललित साकवार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान रीवा पुलिस के आला अफसरों सहित पुलिस के जवानों की भारी तादाद सड़कों पर नजर आई। पुलिस का फ्लैग मार्च मुख्य मार्गों में हुआ। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी जहां भीड़ लगाए लोगों से पूछताछ करते नजर आए, वहीं दुकानों के बाहर बेतरतीब रखे दुकानदारों को भी यह नसीहत देते नजर आए, दोबारा इस हरकत पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। हम आपको बता दें, पिछले एससी एसटी एक्ट के विरोध में देश भर में बंद के दौरान कुछ जगहों को छोड़कर आमतौर पर प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा था, लेकिन इस दौरान कुछ दुखद हादसे भी हुए थे जिसमें 11-12 मौतों के बारे में बताया गया था। इस फ्लैग मार्च के दौरान रीवा पुलिस ने काफी संयम बरता था। रीवा पुलिस 10 अप्रैल के बंद के दौरान भी कोई अप्रिय स्थिति नहीं चाहती, जिसकी तैयारी उसने पहले से ही प्रारंभ कर दी है। जैसा कि आज इन्हीं सब लोगों को पुलिस फोर्स आज इकट्ठा किया गया है और एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, बीच में भी कई बार निकाला गया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि रीवा की जो हमारी जनता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। साथ में अभी कई तरह के एजिटेशन ये हो रहे हैं, तो उसमें भी हमारी जो है वो भी पूरी हो जाएगी। साथ में अभी जो रीवा में अभी विंध्य महोत्सव हुआ और भी जो इवेंट, उनको लेकर भी इन लोगों को जो फीडबैक था और मेरी तरफ से जो बोलना था कि सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसमें ड्यूटी का निर्वहन किया है, सबने दिन रात एक किया है उसमें। और आज फिर हम लोग शहर में निकले हुए हैं, जिससे कि जनता में एक अमन चल रहा मैसेज है और जो असामाजिक तत्व है उनको भी एक मैसेज है कि यदि वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो कानून अपना काम करेगा।